ओम प्रथम शैलपुत्रे द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुशमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज के गुड लक में आपका स्वागत है। नव संवत का आरंभ आज से हो रहा है। आप सबको भारतीय नव संवत की सनातन पद्धति के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। साथ साथ नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं और चैत्र के नवरात्र तो साक्षात नवरात्र के जो आरंभ होते हैं नववर्ष के साथ साथ जीवन में बड़ा शुभ अवसर बनाते हैं, जीवन में कल्याण का अवसर बनाते हैं। ये वर्ष आप सबके लिए बहुत आनंदमय हो, आप सबके जीवन में उत्थान के योग बने और समस्त ग्रह जो जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं उन सबसे हम बचते हुए कैसे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे नवरात्र में भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष रखेंगे। साथ साथ यूक्रेन का और रूस का जो युद्ध चल रहा है बड़ी भयावह स्थिति में पहुंच चुका है और जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है वो साफ साफ दिखाता है कि रूस किसी क्षण भी किसी प्रकार भी किस तरह भी जाकर युद्ध को और भयावह कर सकता है। जेलेंस्की के लिए मार्केश की दशा भी आरंभ होती दिखाई दे रही है और उनके लिए भी ये वर्ष जो शनिवार से आरंभ हो रहा है नव वर्ष वो बड़ा भयावह साबित होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कौन से खास परिवर्तन कर हम अपने जीवन में अपने ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, माँ भगवती कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। माँ में करेंगे कल्याण। पंचांग के अनुसार से चैत्र का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का शुभ अवसर है। नक्षत्र जो है रेवती नाम का नक्षत्र बना हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण इंद्र नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो मीन के उपरांत मेष राशि में आ रहे हैं, शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। शुभ मुहूर्त का समय आ जाएगा 12:05 से लेकर 12:55 तक। वहीं राहुकाल से आपको बचना, राहुकाल का समय भी नोट कर लीजिए। 9:26 से लेकर 10:58 तक का समय राहुकाल करेगा, तो इससे बचते हुए काम करने का प्रयास करें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। आज चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, गुड़ी पड़वा का शुभ अवसर आज है और आज जो चैत्र के नवरात्रि आरंभ हो रही है भारतीय संस्कृति के अनुसार से बड़े ही शुभ दिन माने जाते हैं, बड़े प्रमुख त्यौहार के रूप में माने जाते हैं। इसमें भगवती के नव रूपों का अलग अलग रूप से पूजन करने का शास्त्र में नियम है। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी और कालरात्रि, महागौरी भगवती और साथ साथ सिद्धदात्री भगवती का पूजन करने का विभिन्न जो तरीके हैं वो सब इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। आज नव संवत भी आरंभ हो रहा है जिसका नाम जो है वो नल है। नव संवत का आरंभ जो है इस वर्ष जो हो रहा है वो शनिवार से है, तो राजा शनि हो गए हैं और अन्य मंत्रिमंडल में जो ग्रह हैं वो इस प्रकार से हैं। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से मंत्रिमंडल बनता है पूरा, मंत्रिमंडल में मंत्री बृहस्पति हैं और सूर्य जो है वो सूर्य है और खासतौर पर धनेश जो है वो भी शनि दिखाई देते हैं। तो विभिन्न जो ग्रहों का प्रभार जो है वो अलग अलग प्रकार का है। शनि के वर्ष में जब जब शनि का वर्ष होता है, शनि राजा जाते हैं, तो उपद्रवकारी युग बनते हैं, युद्ध के योग बनते हैं और मार्केट में बड़ा भयावह वातावरण बनता है। अनेक देशों में परस्पर तनाव उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं क्योंकि शनि भयावह स्थिति में है। जनहानि होने के योग दिखाई देते हैं, दुर्भिक्ष और साथ साथ भूकंप इत्यादि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा योग बन सकता है कि इस वर्ष वर्षा कम हो, पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना लोगों करना पड़ सकता है और शनि के राजा होने के कारण ही नल नाम के जो है संवत आरंभ हो रहे हैं उसके कारण से राज्यों में कई प्रकार का सामंजस्य में दिक्कत आ सकती है, परिवर्तन विभिन्न प्रकार का हो सकता है और साथ साथ धन की संबंध में परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। उड़द की दाल, कोयला, लकड़ी, कपड़ा इत्यादि, स्टील के पदार्थ इत्यादि सब महंगे होने के योग भी इस वर्ष के अनुसार से दिखाई देते हैं। नवरात्र का शुभ अवसर है, भगवती को पसंद करने का शुभ दिन है प्रथम दिन और ऐसे में भगवती की आराधना कर हम जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नवरात्र में नवमी का जब पहला दिन होता है तो घट स्थापना का शुभ योग बनता है और उस दिन पूजा का आरंभ घट स्थापना के साथ किया जाता है, तो सुबह से ही 9:26 से पहले पहले का जो मुहूर्त है बड़ा ही शुभ है। उसमें भगवती की आराधना कर आप कोशिश करें आपने घर में भगवती का वास कराएं, घट स्थापना के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का शुभ योग बने। नवरात्र में भगवती की आराधना करने का प्रयास करें। बिगड़ती शक्ति जो इस वक्त विश्व में स्थिति बन गई है, जो संतुलन जो है शक्ति का है वो बिगड़ गया है और दुनिया में जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है इस वक्त उसको देख के लगता है कि पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ता चला जा रहा है। चीन भी ऐसे में बड़ी विचित्र भाव रखता है और दिखाई देता है कि वो रूस के साथ यदि जुड़ गया तो ऐसे भयावह स्थिति युद्ध में बन सकती है और यूक्रेन का संकट और प्रभावी हो सकता है और ऐसे ढंग से यूक्रेन ने जो गलती करी है वो लगातार उसको भी अभी भी जिस प्रकार से अमेरिका के खेल में वो अपने आप को लिप्त कर रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि आगे आने वाले समय में और परेशानी कष्ट के योग बन सकते हैं।
चीन की खासतौर पर जिस प्रकार के संबंध है वो मजबूत यदि रशिया के साथ हो जाए तो ऐसा स्थापित हो सकता है कि आने वाले समय में और भयावह स्थिति बन जाए। पुतिन की पहली ही जो खासतौर पर स्थिति है, पुतिन की जो पहली पसंद तो यूक्रेन में शासन परिवर्तन करने की है और इसके साथ साथ आम यूक्रेनी जो नागरिक हैं उनके जीवन में भी बड़ा भयावह स्थिति बन सकती है। वो प्रतिरोध का प्रयास कर सकते हैं और उस प्रतिरोध के कारण से और स्थिति भयावह बन सकती है। और नया वर्ष जो आरंभ हो रहा है वो वैसे ही दिखाता है कि अशांति का वातावरण होगा और जिस प्रकार का बदलाव अभी आना जा रहा है वो सब दिखा रहा है एक तरह से जो मंगल जो है धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि वहाँ विद्यमान है और पिछले कई दशकों में हमने देखा है कि जर्मनी का जो रवैया अपने अपनाया था वो अन्य देशों के साथ साथ उस कारण से आर्थिक संबंधों की खासतौर पर परेशानी देने के योग्य था। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद जर्मनी के चांसलर ने जिस प्रकार का ऐलान किया वो साफ साफ दिखाता है कि उनको अपने देश की रक्षा के लिए खर्चे में इजाफा करने के लिए बहुत सारा खर्चा और लाना पड़ेगा। और 2021 में जिस प्रकार से जर्मनी का जो पदार्पण हुआ वो साफ साफ दिखाता है कि बहुत बड़ी जो रकम थी उन्होंने अपने खासतौर पर रक्षा के ऊपर खर्च की है। तो ऐसे में जो देश अपनी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि युद्ध के समय में वो यदि किसी पाले में चले जाएं तो पूरी भयावह स्थिति बन सकती है। ग्रहों का वातावरण तो विचित्र बन ही रहा है जिस प्रकार का हम कई दिनों से आपके समक्ष रख रहे हैं, ऐसे में जेलेंस्की के ऊपर भी बड़ा खतरा सारा जाया है। और यदि प्रश्न लग्न के अनुसार से देखा जाए तो उनकी स्थिति आने वाले समय में क्या रहेगी और हमारा प्रश्न लग्न दिखाता है साफ साफ तौर पर कि उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, उनके सम्मान पर बहुत बड़ी परेशानी आने के युग दिखाई देते हैं और उनके लिए भयावह स्थिति बन सकती है। उनका कालसर्प योग चल रहा है इस प्रश्न लग्न के अनुसार से और ऐसे समय में उनके लिए रक्षा करने के लिए कुछ बड़ा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी न किसी कारण से उनकी रक्षा होगी। ग्रह एक इस प्रश्न लग्न में साफ साफ दिखा रहा है कि जैसे हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर गए लेकिन एक व्यक्ति कोई आपको आता है बचा के ले जाता है, ऐसा ही भाव उनके साथ हो सकता है। तो देव कृपा से उनकी रक्षा होने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति ग्रह दिखाती है। और आगे आने वाले समय में आपके मनोमस्तिष्क में कौन सा प्रभाव चल रहा है ग्रहों का वो हम आपके समक्ष रखते हैं। माह में करेंगे कल्याण मेष राशि वालों, विद्यार्थी जो है जो आपकी राशि संबंध रखते हैं उनके लिए आज अच्छा रहेगा। काफी समय आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपकी सक्सेस को लेकर आप बड़े आशान्वित रहते दिखाई दे रहे हैं। मांगलिक अवसरों की रूपरेखा बनती दिखाई दे रही है। परिवार में सुख शांति बनी रहती दिखाई दे रही है। किसी मित्र की मध्यस्थता से आपके जो विवाद चल रहे हैं उनका भी निपटारा होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। आज की शुभ तिथि में सफेद तिल का किसी मंदिर में जाकर दान करें, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ में करेंगे कल्याण वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आप घर में आराम करना पसंद ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के साथ हंसी मजाक और चर्चाओं का आनंद भी लेते दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि बनती दिखाई दे रही, किंतु जी हाँ कुछ परेशानी भी है। दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखिएगा और काम पर मत छोड़िएगा, अपना काम अपने आप ही करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, पूर्ण हो पाएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है, भगवती माँ दुर्गा की आराधना करें, उनको आराधना कर उनके मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। अगली राशि के संबंध में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं एक प्रश्न की जो हमारे पास आया है झारखंड से। झारखंड से भगत जी लिखते हैं, सीएन भगत साहब, उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में लिखी है कि उनके मन में एक अज्ञात सा भय है जो उनको कष्ट देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई घटना होने वाली है और मन में बड़ा भयावह स्थिति बनी रहती है। आप चिंता ना करें, आप हमारे साथ हैं, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपके अज्ञात भय में से मन जो ग्रसित है उसको ठीक करने का रास्ता हम बताते हैं। नवरात्र का शुभ अवसर है और ऐसे में कुछ मंत्र हैं जो खास तौर पर करने से कल्याण के योग बन जाते हैं। नवरात्र कल दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी का आराधना का दिन माना जाएगा कल और उनकी विधिवत पूजा करने के बाद शक्कर का भोग लगाएं। आपके जीवन से अज्ञात भय दूर होने के लिए एक मंत्र का जप कर लें, दुर्गा दुर्गार्थ शमनी दुर्गा पद निवारणी दुर्गमच्छरी, दुर्गा की नामावली है और इसके अंत में लिखा है पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशया। मैंने हजारों लोगों को इस मंत्र का प्रयोग करके देखा और जिनके मन में भी ऐसा भय था कि पता नहीं कल क्या हो जाए, ऑफिस में कोई भयावह स्थिति ना बन जाए या कोई जेल जाने की स्थिति ना बन जाए, ऐसा भय भी इस मंत्र के प्रभाव से दूर हो जाता है। तो आप भी ये नामावली दुर्गा सप्शती की पुस्तक में भगवती की नामावली आती है, दुर्गा दुर्गार्थ शमनी दुर्गा पद निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी और अंत में ये फलश्रुति अवश्य पढ़िएगा। मैंने एक बड़ा अजीब सा प्रयोग देखा, मैंने किसी को ये मंत्र बताया, 32 नाम तो वो जप कर लेते लेकिन फलश्रुति का पाठ नहीं करते थे तो उन पर वो मंत्र प्रभाव दिखाई नहीं रहा था।
जब हमारे पास आए तो हमने कहा इस फलश्रुति का पाठ भी किया कीजिए, जिसमें अंत में लिखा है पठेत सर्वयान मुक्तो भविष्यति नशंशय। और जिस दिन से उसने फलश्रुति का पाठ करना शुरू किया, उस दिन से उसके मन से भय जो था वो दूर हो गया। तो आप भी इसी रूप में इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज व्यवसाय में थोड़ी परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। आज आपका सारा काम आपको लगता है कि एक साथ करना पड़ सकता है। आज मित्रों की सहायता लेना आपके लिए उत्तम रहेगा, किंतु समय को व्यर्थ बर्बाद न करें इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा केसरिया। सरसों के तेल का दान करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज अपने को सिद्ध करने की कोशिश ज्यादा ना करें। अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में कोई ना कोई हानि पहुंचाने का कार्य कर सकता है। थोड़ा गुस्से और तनाव से बचना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, आरंभ करने के लिए आज का खासतौर पर शुरुआती भाग जो है वो आपको लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कार्य आरंभ कर सकते हैं लेकिन शांति के साथ। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। अन्न का दान करें किसी गरीब व्यक्ति को, वैसे ही बहुत सुंदर दिवस है, शनिवार का अवसर है, तो अन्न का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। अब हम एक और व्हाट्सअप ले लेते हैं जो आया है दिल्ली से, गरिमा सिंह जी का व्हाट्सअप है। उन्होंने लिखा है बड़ा सुंदर प्रश्न। उन्होंने लिखा है कि भाग्य रेखा हृदय रेखा के पास जाकर रुक जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए भाग्य रेखा कौन सी है। भाग्य रेखा ये है जो आपके चंद्रमा के नीचे से निकलती है और ऊपर शनि के पर्वत तक जाती है, और जो हृदय रेखा है वो है आपकी हार्ट लाइन जो है। यदि इसके पास जाकर रुक जाए तो क्या होता है। अगर किसी की हृदय रेखा जो खतेली पर भाग्य रेखा हृदय रेखा के पास जाकर रुक जाती है, तो ऐसे जातक प्रेम संबंधों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। जातक का खासतौर पर प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाता, ऐसा योग बनता है। हालांकि जातक का एक संबंध टूटने के बाद दूसरा संबंध भी जुड़ जाता है, ऐसे योग बनते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में सफल होना बड़ा मुश्किल माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जो ग्राफ है ऊपर नीचे परेशान करता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक खास बात है, विवाह के बाद भी इनके संबंध कई अन्य जगह बन सकते हैं, तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो मन में शांति भी रहेगी। गलत तरफ जाने से हमेशा नुकसान ही होता है, तो ऐसे जो आपकी कुंडली में आपके हाथ में यदि ये हो किस प्रकार के चिन्ह हो तो उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। मांबे करेंगे कल्याण। अब युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध की भविष्यवाणी में हम समझ लेते हैं कि जेलेंस्की का भाग्य आगे कहां उसको ले जा रहा है, और जो आज पूरे विश्व में ऐसा वातावरण बना है कि जेलेंस्की की हत्या करने के लिए कई सारे युद्ध कैदियों को छोड़ा गया है, और बहुत सारे यहाँ पर जो चेचन विद्रोही हैं और उनके अंदर भी रमजान नाम का जो खास व्यक्ति है, जिसको जो कहा जाता है पुतिन साहब का बहुत ही परम हितेशी माना जाता है, वो भी बड़े विचित्र प्रकार के योग बना रहा है और बड़ा 10,000 से ऊपर की सेना लेकर वहाँ पर इसी काम में लगा हुआ है। और ऐसे योग तो बन रहे हैं कि खासतौर पर यूक्रेन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमरीका की साजिश जिस प्रकार से सफल हो रही है वो आपके समक्ष है, और रूस ने जिस प्रकार से अमेरिका को भी उलझा के रखा हुआ है, रूस पूरी तरह स्वयं भी उलझ चुका है इस चीज में। अमेरिका का अगला कदम क्या है आप समझे। लगातार जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं वो साफ साफ दिखाती हैं कि अमेरिका की जो शातिर नीति है वो साफ साफ दिखाती है कि यूक्रेन को किस प्रकार से प्रोवोक किया जा रहा है। यूक्रेन बार बार जिस प्रकार से विचार विमर्श करने का प्रयास करता है, लेकिन युद्ध में अमेरिका उसको बार बार कह रहा है नेटो देशों के माध्यम से कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे युद्ध में इस वक्त भयावह स्थिति में जेलेंस्की को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, किस प्रकार से वो बाहर की कुटिल नीति के कारण से, कूटनीति के कारण के उस कारोबार में फंस गए हैं और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है उन्होंने। इस प्रकार का भाव, राष्ट्रपति जेलेंस्की की दशा किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, और युद्ध में के लगातार उनको ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पूरे विश्व में। उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को सौंप दिया है अमेरिका के हाथ से, ये सारा ग्रहों का प्रभाव है। और नई अंतरिम सरकार जब तक गठित ना होगा, युद्ध भी दिखाई देता है कि रूस भी मानने वाला नहीं है, और ऐसे में जेलेंस्की का भाग्य कहां ले जा रहा है। और ज्योतिष विद्या के अनुसार यदि देखा जाए तो जेलेंस्की की कुंडली में मार्केश खासतौर पर जो समय है वो आता दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए आज कैसा योग बन रहा है वो हम बात करते हैं। मांबे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसे बनते हैं योग जान लीजिए। आप अपने सभी कार्य उत्साह के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपका दिनचर्या जो है काफी व्यस्त रहने वाली दिखाई देती है। आज पहली की गई मेहनत आपके लिए सार्थक साबित होगी, परिणाम अच्छे आएंगे। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए भूरा रहेगा। नवरात्र का शुभ अवसर है, ऐसे में सूर्य को का दर्शन कर उन्हें अर्घ दें और साथ साथ मां भगवती की आराधना करें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे।
मां अंबे करेंगी कल्याण। कन्या राशि वालों, आपके लिए कैसे बन रहे हैं योग, जान लीजिए। आज उधार दिए हुए धन की चिंता आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई दे रहे हैं आप। संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क भी रहते दिखाई दे रहे हैं। नए प्रयोगों से आपको बचना चाहिए, इस बात के ग्रह योग बन रहे हैं तो हम आपके समक्ष रख रहे हैं बात। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। और आज एक काम करें, नवरात्र का शुभ अवसर है, चैत्र की प्रतिपदा है, भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध अर्पित करें, थोड़े चावल अर्पित करें, माँ का आशीर्वाद लें, भगवान का आशीर्वाद लें। माँ अंबे करेंगी कल्याण। देखिए, जिस प्रकार का युद्ध का वातावरण बन रहा है, युद्ध के बारे में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व पर उस युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है और ज्योतिष के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आज ज्योतिष की विवेचना बहुत सारे लोग करते हैं और पूरे विश्व में ज्योतिष का लाभ लिया जाता है। जर्मनी में भी बहुत सारी भयावह स्थिति युद्ध की बनती दिखाई दे रही है। रूस ने जर्मनी की तरह रूस को भी, उन्होंने खासतौर पर इस बात को समझे कि लोगों ने किस प्रकार का भयावह वातावरण बनाया कि रूस के साथ साथ जर्मनी को भी युद्ध में खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों की कूटनीति ऐसी है जो लाभ लेना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने का लगातार बात तो कर रहे हैं, हालांकि ये सच भी है, वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अमेरिका का इशारे पर ये सारे काम चल रहे हैं। केवल अपनी समझ को न उपयोग करके, केवल दूसरों की बातों में आकर, ये सारा ग्रहों का प्रभाव है। मंगल ने किस प्रकार का भयावह वातावरण बना दिया, उच्च राशि में प्रवेश करने के बाद, शक्ति संपन्न होने के बाद, शनि के साथ वहां पर द्वंद्वात्मक स्थिति में उत्पन्न करने के बाद ये भाव बना दिया। अभी 7 तारीख को मंगल बदल जाएंगे, हो सकता है परिवर्तन की स्थिति आ जाए और ये भयावह वातावरण बन जो गया है तो उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाए। आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव क्या है, मंगल जो बदलेंगे आपके जीवन में क्या करेंगे, और आज से जो नया वर्ष आरंभ हो रहा है, शनिवार के दिन शनि के राजा होते हुए नया वर्ष आरंभ हो रहा है, वो क्या कुछ खेल खेलेगा हमारे साथ, हम बताते हैं आपकी राशि के अनुसार। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, जान लीजिए। रुके हुए कार्य पूरा करने का प्रयास आप करते दिखाई दे रहे हैं। रिश्तेदारों, खासतौर रिश्तों में को संभालने में मदद मिलती दिखाई दे रही, कानूनी अड़चनें कुछ दूर होती दिखाई दे रही है। आज जीवन का स्तर अच्छा बनाने के लिए आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा रहेगा। एक कटोरी में तेल रखिए, उसमें अपना चेहरा देखिए, देखिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है, और किसी को दान कर दीजिए, जो पूरे वर्ष की अलाएं बलाएं हैं आपके जीवन से दूर होंगी। मां अंबे करेंगी कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, जान लीजिए। आज उम्मीद से, खासतौर पर दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना आपके लिए अच्छा ना रहेगा। वाहन चलाते वक्त थोड़ी सावधानी प्रयास करने का प्रयास करें, हानिकारक हो सकता है कि आपकी सावधानी किसी प्रकार से हटी। लोग आपका मजाक उड़ाने का प्रयास कर सकते हैं, शांत होकर काम करने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। दिखावे में धन खर्च ना करें, इस बात का ध्यान रखें, बैलेंस होकर अपनी स्थिति को समझते हुए काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, गुलाबी रंग आपको लाभ देगा। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार से दान से सहयोग करने का प्रयास कीजिए, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगी कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं नवरात्र के अवसर पर हम कैसे कुछ उपाय करके अपने जीवन में कल्याण के योग बना सकते हैं। कुछ मंत्र हैं जो आपके समक्ष आज उपस्थित करने जा रहे हैं। बच्चे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कौन से रूप की भगवती की आराधना करें, एक मंत्र दे रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, इसका जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। संतान के जीवन में सुख हो, समस्त प्रकार की समृद्धि हो, ऐसे में दुर्गा सप्तशती का एक बड़ा चमत्कारी मंत्र है, उसका जप करने से अवश्य कल्याण होता है। भगवती ने स्वयं अपने मुख से कहा है, क्या मंत्र है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। जो मेरी आराधना करता है, माँ ने स्वयं कहा 12वें अध्याय में, जो मेरी आराधना करते हैं उनको ये सब चीज़ प्राप्त होने में कोई संशय नहीं है। संतान, धन, धान्य इत्यादि सब प्राप्त होता है जो मेरी आराधना करते हैं, और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती कह रही हैं, तो फिर किस बात का संशय। करिए मंत्र जब, नवरात्र संधि काल है, खासतौर पर सिद्ध रात्रियाँ हैं, संधि काल है, पूरे समय का कल्याण करने के योग बनेंगे। धन प्राप्त करने के लिए, धन के बिना भी कुछ नहीं होता है, तो एक मंत्र नोट कर लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करके कल्याण हो सकता है। समस्त जीवन में अमंगल ना हो, जब अमंगल का भाव मन में उत्पन्न हो जाए तो कैसे हम उस अमंगल के भाव को दूर करें, अमंगल अपशगुनों को दूर कैसे करें, तो उसके लिए माँ भगवती का मंत्र है, गौरी का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बनते हैं। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं और विजय लगातार आपके हर कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, तो भगवती का ही मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का 11वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती क्या है वो मंत्र है,
इसका जप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। नौकरी में यदि परेशानी चल रही है, देखिए नौकरी में परेशानी, नौकरी करी है ना आपने शांति के लिए, लेकिन यदि परेशानी चल रही है तो उसको कैसे दूर करें, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो एक मंत्र है जो भगवती दुर्गा सप्तशती में आया है, देवताओं के द्वारा भगवती की उपासना करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त इस मंत्र का उन्होंने उपयोग किया। आप भी देवता स्वरूप बनकर माँ भगवती की आराधना इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करने से कल्याण के योग बनेंगे। यदि विवाह में कोई समस्या आ रही है और आपके मन अनुरूप आपके जीवन में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो एक मंत्र है जो अर्गला स्तोत्र में आया है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप करने से मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बनते हैं। तो आप भी इन मंत्रों का इस शुभ नवरात्रि के अवसर पर जप करके लाभ लें। 9 दिन बड़े चमत्कारी हैं, जो अनन्य श्रद्धा के साथ इन मंत्रों का इस समय में उपयोग करता है उनके जीवन में कल्याण के योग बनते हैं। मामले करेंगे कल्याण धनुराशि वालों के लिए, आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कई पर्सनालिटियों से मुलाकात हो सकती है, मित्रता हो सकती है। पुराने गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना आपके लिए उचित रहेगा। नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए अच्छा समय है, सफलता मिलने के योग बनेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, शनिवार है और नवरात्र का आरंभ है, नववर्ष का आरंभ है, भगवान की कृपा यदि हो जाए तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण, अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ऐसा योग बन रहा है कि विरोधियों पर आप भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। नए व्यवसाय में निवेश करने का मन का भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहा है। परिजनों की चिंता आपको सता सकती है, इसलिए बैलेंस होकर काम करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। सफेद चंदन का तिलक करें और भगवती की से प्रार्थना करें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है बात कर लेते हैं। जमीन साथी से आप कुछ मनमुटाव होता दिखाई दे रहा है, किसी अपरिचित लोगों पर ज्यादा भरोसे मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज मानसिकता खासतौर पर थोड़ी नकारात्मक हो सकती है, नेगेटिविटी ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। यात्राओं के योग दिखाई देते हैं, परमात्मा का नाम ले सब शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। माँ दुर्गा की पूजा करें और सब कुछ शुभ अपने जीवन में आरंभ कर सकते हैं। नव वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए, आपके आज दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, मामले करेंगे कल्याण, दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है आपको। तनाव भरा काम करने से आपको बचना चाहिए, कोई तनाव भरा काम करना पड़े खासतौर पर उससे बचने का प्रयास कीजिए। आज व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। सरकारी कामों में बाधा आने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। सायंकाल के समय एक काम करें, एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, माँ अम्बे का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के अंत में हम गणेश जी का स्तवन करते हुए इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्।